नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुप्त गोदावरी का संपूर्ण दर्शन कराने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग दर्शन अच्छे से कर लोगे। संपूर्ण दर्शन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टिकट कटाना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग गोदावरी का दर्शन करने जाते हो तो आप लोगों को टिकट काउंटर पर टिकट कटाना पड़ेगा। यह देखिए गुप्त गोदावरी का कितना अच्छा दर्शन आपके सामने दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टिकट कटा लेते हैं, इसके बाद आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे गुप्त गोदावरी का। तो यहाँ पर आपको टिकट काउंटर पर टिकट कटाना पड़ेगा। टिकट कटाने के बाद आप सीधे अंदर घुस जाओगे। तो ये देखिए आपके सामने ऐसे ही जाते हैं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देखिए कार्यालय के कुछ नियम से दिए गए हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है गुफा के अंदर ना जाएं, बाहर से ही दर्शन करके लौट आइएगा। तो मैं आपको गोदावरी के अंदर गुफा का दर्शन करके दिखाऊँगा, आप लोग देख लीजिए वीडियो के माध्यम से। यहाँ मैं ऊपर की ओर जाता हूँ। सबसे पहले हमें प्रथम गुफा में जाना है। प्रथम गुफा में हमें राम दर्शन, धनुष कुंड, सीता कुंड, खटखटा चोर और देवताओं के दर्शन होंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए गुप्तोदारी का आधार आपके सामने है। यहाँ पर देखिए मैं ऊपर की ओर जाता हूँ, आपको दर्शन कराऊँगा, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। जब देवताओं को पता चला कि भगवान श्री राम चित्रकूट में आने वाले हैं, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से निवेदन किया कि उनके रहने के लिए इंतजाम किया जाए। तो विश्वकर्मा जी ने आकर इन गुफा का निर्माण किया। यह प्राचीन गुफा है, ना कि कोई बनावट है। आप लोग गुफा देख करके खुद आपको पता चलेगा कि यह गुफा कितनी अद्भुत है और आप गुफा में जा करके कितना अच्छा दर्शन पा सकते हो। यह गुफा प्राचीन है और प्राकृतिक रूप से है, ना कि कोई इसमें चेंजेस किया गया। थोड़ा बहुत अच्छे से बनाया गया है, लेकिन यह गुफा प्रकृति के हिसाब से बहुत अच्छा है। और गुफा जो इस गुफा में एक बार आता है तो आपको बार बार आने का मन करेगा। यहाँ भगवान श्री राम आए थे। तो मैं आप प्रथम गुफा में यहाँ पर प्रवेश कर लिया हूँ, तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जिसको ऑक्सीजन, यहाँ पर थोड़ा सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सभी को नहीं होती है, लेकिन जिसको सांस रोग, दमा रोग यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, वो लोग इस गुफा में ना जाएं, बाहर से ही दर्शन कर लें। तो मैं प्रथम गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है। गुप्त गोदावरी के गुफा का ही तो चारों जगह नाम गूंजता है। यहाँ पर देखिए कितनी प्राकृतिक गुफाएं हैं और यह नेचुरल है, ना कि कोई बनावट किया गया है। इस गुफा में थोड़ा सा बनाया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से प्राकृतिक है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। सबसे पहले मैं गुफा में प्रवेश कर लिया हूँ, तो आपको इसके कुछ दर्शन करा रहा हूँ। इस गुफा के चारों तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमा करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी गुफा का निर्माण किया है विश्वकर्मा जी ने। और यहाँ पर हम सबसे पहले आपको राम दरबार ले चलते हैं, जहाँ श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता मैया का दरबार लगता था। यहाँ पर राम दरबार देखिए लिखा है, तो मैं सबसे पहले आपको राम दरबार में ले चलता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग राम दरबार का दर्शन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगला दर्शन कराऊँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग दर्शन अच्छे से कर लोगे, यह मैं आपको पहले से ही बताया हूँ। तो यह देखिए मैं राम दर्शन में आ गया हूँ। अब राम दर्शन, मैं आपको राम दर्शन का आपको यहाँ पर देखिए फोटो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए राम दर्शन, राम दरबार लगता था सीता मैया और राम लक्ष्मण का। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा गुफा का नज़ारा है। और यहाँ पर मैं वापस आता हूँ राम दरबार से, अब मैं आपको दूसरा दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए माता सती की मूर्ति है यह, और इसके बाद मैं आपको अगला दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग इसके बाद दूसरे जगह चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले धनुष कुंड चलते हैं, इसके बाद मैं आपको अगला दर्शन दिखाऊँगा। तो धनुष कुंड मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा पानी रहता है, आप लोगों को घुटने तक आपका पानी रहेगा, तो आप लोग दर्शन करिएगा, डरिएगा नहीं, आराम से जाइएगा और आप अच्छे से दर्शन करके वापस आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए धनुष कुंड है, आपको बोर्ड भी लगे होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए धनुष कुंड आगे है, यहाँ पर दिखाया गया है बोर्ड में, तो मैं धनुष कुंड ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले चलिए हम धनुष कुंड चलते हैं। यहाँ पर देखिए शिव जी की मूर्ति है, भगवान शिव की। अब मैं आपको धनुष कुंड ले चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अगला।
तो चलिए धनुषकोटि चलते हैं सबसे पहले हम लोग। कितना अच्छा गुफा है, आप लोग जाओगे तो बार बार जाने का मन करेगा। या मैं दावा करता हूँ कि गोदावरी इतना अच्छा स्थान है कि आप लोग एक बार जाइए फिर हमको बताइए कैसा लगा। यहाँ पर देखिए धनुषकुंड है, यहाँ पर लिखा भी है धनुषकुंड है। यहाँ पर माता सीता भी स्नान करती थी, सीता कुंड है ऊपर प्रथम गुफा में। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर देखिए उद्गम स्थान। अब मैं आपको खटखटा चोर की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए खटखटा चोर को मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए खटखटा चोर लटके हुए हैं। जब लक्ष्मण भगवान ने तीर मारा था तो लटक गए थे खटखटा चोर ऊपर, तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यह गुफा इतनी अच्छी है कि आप लोग एक बार जाएंगे तो आप लोगों का आने का मन ही नहीं करेगा। तो मैं खटखटा चोर दर्शन करा करके मैं आपको यहाँ का प्रथम गुफा का दर्शन हो गया है। अब मैं आपको द्वितीय गुफा का दर्शन कराऊंगा। तो यहाँ पर आपकी प्रथम गुफा का दर्शन पूरा हुआ, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं पानी वाली गुफा। यहाँ पर देखिए दूसरी गुफा जहाँ पर राम कुंड लक्ष्मण कुंड है और पशुपतिनाथ जो विश्व में केवल तीन मूर्तियाँ हैं पंचमुखी देवता जिसे हम पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए आप लोगों को तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं दूसरी गुफा की ओर चलता हूँ, आप लोगों को दर्शन अच्छे से कराऊंगा। आप लोग ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे कि संपूर्ण दर्शन आप लोग देख पाइएगा, तो मैं आपको संपूर्ण दर्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हनुमान जी की मूर्ति है, नीचे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पशुपतिनाथ जी का दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम कर लेते हैं हनुमान जी को, फिर चलिए हम आपको पौराणिक मूर्ति है ना कि कोई यह बनावटी मूर्ति है, यह विश्व में केवल तीन मूर्तियाँ हैं, इनकी आधी परिक्रमा लगती है पशुपतिनाथ के। यहाँ पर मैं दूसरी गुफा में चलता हूँ, द्वितीय गुफा में आपको राम कुंड लक्ष्मण कुंड मिल जाएंगे। यह बहुत ही अच्छा नज़ारा है इस गुफा का, आप लोग इसमें भी जाकर दर्शन कर लीजिएगा। दोनों गुफा के अंदर जाना है अगर आप लोग दर्शन करने आए हो तो, दूसरे गुफा और पहले गुफा दोनों गुफा में आपको जाना है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा विश्वकर्मा जी ने डिजाइन किया है कि आप लोग देखते रह जाएंगे। इस गुफा का निर्माण ऐसा किया गया है, लाइट की सुविधा कर दी गई है शासन की ओर नगर पालिका की तरफ से, तो आप लोगों को चलने में सुविधा रहती है। यहाँ पर देखिए मार्ग सकरा होने के कारण यहाँ पर हम आराम आराम से चलते हैं, घुटना तक आपके पानी रहेगा। तो मैं आपको दूसरी गुफा की तरफ ले चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कैमरा आपके सामने है, यहाँ पर वीडियो देखते रहिएगा। फिर हम आपको राम कुंड और लक्ष्मण कुंड, प्रथम गुफा में आपको सीता कुंड मिलेगा और दूसरी गुफा में राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलेगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितना अच्छा है। तो चलिए टाइम लगेगा लेकिन आप लोग दर्शन पूरा करके जाओगे इस वीडियो में। तो हम थोड़ा सा मार्ग सकरा होने के कारण आराम आराम से चलते हैं। यहाँ पर दर्शन करते हुए कितना अच्छा जल है, आप जल देखकर और इन गुफा का नज़ारा देखकर आप जिंदगी भर याद करोगे कि दर्शन करने गया था चित्रकूट में गुप्तोदावरी माता का। यहाँ पर देखिए कि सकरा मार्ग होने के कारण केवल एक लोग जा सकते हैं, एक लोग आ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप लोग डरिएगा नहीं, आराम से जाइए दर्शन करके आइए और अपनी मनोकामना भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आप लोग अच्छे से मन्नत मांगे, जो भी मांगते हैं तो ज़रूर आपकी मन्नत पूरी होगी अगर आप लोग यहाँ दर्शन करने जाओगे। आप लोगों को रामकुंड लक्ष्मण कुंड दिखाने की कोशिश करूँगा, संपूर्ण दर्शन आप लोग देखकर खुश हो जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस गुफा के अंदर श्री राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था पहली गुफा में। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने माता सीता के स्नान हेतु गोदावरी माया को प्रकट किया था, इसे गुप्त गोदावरी कहते हैं क्योंकि यहाँ माता सीता का स्नान कुंड प्रथम गुफा में था और दूसरी गुफा में रामकुंड लक्ष्मण कुंड है और यह धारा बाहर जाकर गुप्त हो जाती है, इसलिए इसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है।
और इस जल का कोई पता नहीं लगा पाया है कि कहाँ से यह जल आया है। यह सब प्रभु की माया है। यहाँ पर देखिए हम राम कुंड आ गए हैं। देखिए राम कुंड है, फिर परिक्रमा लगा करके जाएंगे तो लक्ष्मण कुंड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों, यहाँ पर देखिए राम कुंड है। राम कुंड देखने के बाद यहाँ पर देखिए यह राम कुंड है। इसके बाद हम लक्ष्मण कुंड परिक्रमा लगा कर जाएंगे तो लक्ष्मण कुंड मिलेगा। अब हम लक्ष्मण कुंड की तरफ चलते हैं तो दाहिने साइड जैसे ही घूमेंगे राम कुंड से तो लक्ष्मण कुंड है, तो आप लोग वैसे परिक्रमा लगा करके ही लौटेंगे। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मण कुंड है। अब हम आपको थोड़ा सा डर लगेगा लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से दर्शन करके जाइएगा। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर दूसरी गुफा में हम रामकुंड लक्ष्मण कुंड का दर्शन करके आ गए। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे दर्शन करने यात्री आए हैं और अपनी अपनी मनोकामना, भगवान इनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। अच्छे से आप लोग जो भी मांगना है भगवान से मांगें, ज़रूर पूरा करेंगे। यहाँ पर दूसरी गुफा अद्भुत है। चित्रकूट का दर्शन, गुप्त गोदावरी का दर्शन आप कर लोगे तो आपको बार बार दर्शन करने का मन करेगा। तो यहाँ पर प्रथम और दूसरी गुफा का दर्शन हो गया है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।